Hey yo guys, Kem Cho. Hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel. एक्चुअली मैं आज शूट कर रही हूँ बैक कैमरा से. नॉर्मली मैं फ्रंट कैमरा से शूट करती हूँ. आज से मैं बैक कैमरा से ही शूट करने का ट्राई करूँगी क्योंकि इसकी कैमरा क्वालिटी बैक कैमरा की ज़्यादा अच्छी होती है, वी ऑल नो. तो अभी आप लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ. तो कुछ नहीं, ट्राई करते हैं. न्यू सब सीख रही हूँ मैं ये सब भी. अभी अभी बजे हैं सुबह के 10:45, ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं. और हमारे घर पे दिवाली की सफाई चल रही है. जो होने वाला है दिन का मेरा रूटीन है वो सब आपको मैं इस व्लॉग में दिखा दूंगी. तब तक, जब तक मैं सफाई करती हूँ अब, तब तक आपको मैं कल का थोड़ा, मैंने व्लॉग शूट किया था कल. मैं हिमी के साथ गई थी थोड़ा बाहर, संडे था तो खाने के लिए, तो मैंने आधा शूट किया व्लॉग. बट फिर मेरी बैटरी लो हो गई, फ़ोन बंद हो गया, तो फिर मैं शूट कर नहीं पाई. तो मैं अभी इसमें ही वो, मैंने सोचा मैं डाल देती हूँ कल का थोड़ा जो बहुत मैंने शूट किया वो. तब तक आप वो देखिए, तब तक मैं सफाई करके फिर आपको मिलती हूँ. आइए, बज चुके हैं 7:45. कुछ नहीं, अभी हम निकल रहे हैं कुछ खाने के लिए. देखते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं. चैलेंज, फूड चैलेंज तो जो कि मैं हार ही जाती हूँ हर बार. बट ठीक है, कोई बात नहीं. मेरा दिन फूड चैलेंज देखा? हाँ देखा. बोल रही थी कि बहुत बुरी तरह से हार रही. बेइज्जतियां करवाई ना तूने? नहीं मम्मी, दिखाई भी नहीं दे रहा. एक लाइट बंद है इसकी एक्टिवा की. मौत के कुएं में तो हम जा रहे हैं ऐसा लग रहा है. ओ हो हो, फुल पेट्रोल है क्या भाई? नहीं मैंने अभी, ये ऐसे ही रहता. कांटा खराब है वो. तो अभी हम आए हैं सोलारिस में, मैकडी में जाने वाले हैं. पता नहीं मेरे को क्या मैकडी से ऑब्सेशन हो गया है. मैं बोर ही नहीं होती खा के मैकडी का. मतलब जब भूख लगे तब पहले मैकडी मेरे दिमाग में आता है. मैंने 3 घंटे से ब्लॉग पोस्ट करने रखा है और ब्लॉग पोस्ट ही नहीं हो रहा है मेरा. पता नहीं क्या चक्कर है. पेट्रोल फुल दिखा रहा है लेकिन पेट्रोल फुल भी नहीं है भाई. एक्टिवा एंटिक पीस है तेरी. सबके पास में ठोकते ठोकते रह गए. तो मेरी मम्मी मेरे को बोलती है तो पहले ड्राइविंग सीख क्या. मैं तेरे को डाल रही हूं. अभी हम रखड़ रहे हैं मोटा बाजार और इनकी शर्मा रही है विद्यान पर. क्या करें, पूरे पाड़े तारे प्रियंका जी विचरो. हां प्रियंका बस नहीं भी. हां तो अभी हम जा रहे हैं संतुष्टि शेक पीने. ऑलमोस्ट आधी सफाई हो चुकी है और अभी हमने ऑलमोस्ट आधा रूम कर लिया है. कल तो मैंने शूट किया नहीं ब्लॉग कल का सफाई का, क्योंकि मैंने आधे से ही ब्लॉग शूट किया था और वो भी रात को ही किया था. तो ठीक है, अभी सफाई का तो मैं क्या ही दिखाऊं. अभी मेरी 2:30 बैच है और ऑलरेडी 1:30 बज गए, 1:30 हो गए, मेरी 2:30 बैच है. तो थैंक यू. मेरे भाई की लड़की है छोटी, यूवी नाम है इसका. हाय हाय करते सबको, इधर आ जा. Say hi to my YouTube family. Hi to my family. How are you? How are you? I love you all. I love you all. She's so cute. अभी बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं, पता है? कितने सारे लोग देख रहे हैं? बहुत सारे. हाँ, तो क्या बोलेगी उनको? क्या बोलना है सबको? Good morning. Good morning बोलना है? बोल दे चल. Good morning. Hey you guys. Hey you guys. Kem Cho. Hope you all are fine. Hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel. YouTube channel. तो कैसा लगा मेरा क्यूट
क्यूट इंट्रो आप लोगों को। एक दो ट्विंस है, एक यूवी है, एक यशी है, बट यशी आई नहीं थी वरना मैं आपको यशी से भी मिलवाती। तो ये है यूवी और आ गई यशी। यशी हाय करो, से हाय। कैसे हो सब? कुछ नहीं, बस अभी मेरे को जाना है जिम, तो अभी उसके लिए निकलना है, तो मैं फ्रेश होके आपको मिलती हूँ डायरेक्ट जिम जाने के लिए। जब मैं निकलूँगी तब आप। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी जिम जाने के लिए और अभी मैं बस 5-10 मिनट में निकलूँगी, तो आपको मिलती हूँ अभी डायरेक्ट जिम में ही। तो फिर कुछ नहीं, देखते रहिए इस ब्लॉग को एंड तक, और तो क्या ही बोलूँ मैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ जिम, पहुँच चुकी हूँ, मैं लिफ्ट में हूँ और जा रही हूँ मैं बैच लेने। तो कुछ नहीं, अभी बैच वैच ले लेती हूँ मैं और फिर आपको डायरेक्ट बैच लेने के बाद मिलती हूँ। तो ठीक है, अभी खत्म और अभी मैं जा रही हूँ घर पे। मैं पहुँच गई हूँ घर पर, अभी मैं थोड़ा चेंज वेंज करके थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरी शाम को फिर से बैच है। तो अभी बस मैं अभी फ़िलहाल तो इसको इधर ही स्टॉप करती हूँ, अब मैं शाम को कंटिन्यू करूँगी व्लॉग। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो बज गए शाम के 5:30 और मैं बैच लेने नहीं गई क्योंकि बैच हो गई कैंसिल, और अभी मैं फ़िलहाल काम से जा रही हूँ, तो वो मैं आपको बताऊँगी नहीं किस काम से जा रही हूँ। डायरेक्ट मेरे साथ आप चलिए देखिए ब्लॉग में क्या होता है। तो मैं अभी आई हूँ फर्नीचर देखने के लिए, हमको एक्चुअली ऐसा कबर्ड चाहिए एक घर के लिए, तो कुछ नहीं वही देखने आई हूँ मैं। कुछ समझ आया नहीं ज़्यादा इसलिए कहीं और जा रही हूँ देखने, तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी मैं आपको बता दूं कि ये गुरुद्वारे का पीछे वाला गेट है यहाँ से, और ये सोसाइटी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं यहाँ पे ही खेलने आती थी सतोड़ी और सब कुछ, हवा की वजह से शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलने के लिए आती थी। अभी ये पूरे एरिया से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, मतलब अभी यहाँ पर जो गली है, यहाँ पर जो लास्ट घर है, वहाँ पर मैं कैरी तोड़ने आती थी। मैंने तो बहुत अभी बहुत ऐसे काम किए, कैरी वैरी तोड़ना और ये सब, मतलब पूछो ही मत, जिसकी कोई हद नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे भी वो सामने जो झाड़, ये जो सामने है कोकोनट ट्री के पास में, वो भी कैरी का झाड़ है, यहाँ पे भी मैं बहुत आई हूँ। ये इतने ही एरिया में मैंने 3 से 4 घर में ऐसा है कि मेरा हर बार का था मैं कैरी तोड़ने जाती जाती थी। एक यहाँ पे एक और भी है जो सामने घर है, मतलब ये वाला जो है, ये वाला घर है ना जो वाइट वाला, उधर भी पहले बीच में कैरी का झाड़ होता था, अभी काट दिया पता नहीं क्यों। उधर भी मैंने बहुत, मैं बहुत कैरियाँ उधर से भी तोड़ी है मैंने। अभी पूरे रास्ते मेरे को यही सब याद आ रहा था कि मेमोरीज़ फ़ोन में कैप्चर नहीं है, बट ऐसी मेमोरीज़ कभी बनी नहीं फिर से, मतलब ये सब रास्तों, ये सब रोड्स और ये सब सोसाइटी, ये सब चीज़ों से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया वो जो सोसाइटी है, वहाँ पर मैं एवरीडे जाती थी खेलने के लिए। सतोड़ियों को मैंने इतना खेला है जिसकी कोई हद नहीं, गिल्ली डंडा मैंने इतना खेला है, क्रिकेट भी मैंने इतना खेला है। फिर आपको अगर पता हो या ना हो, बट वो साकड़ी होती है, एक छुट्टी साकड़ी और बेगी साकड़ी, मतलब बहुत, वो सब भी बहुत खेला है मैंने। तो और जो मैंने आपको ग्राउंड दिखाया, वहाँ पे हम एवरी संडे जाते थे, क्रिकेट की मैच रखते थे और एवरी संडे मैं खेलने जाती थी, क्योंकि मेरे घर पे कभी मेरे को ऐसा ट्रीट किया ही नहीं कि तू लड़की है तो तू नहीं जा सकती। ऑलवेज़ सब लड़कों के बीच में मैं अकेले लड़की भी होती थी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं टॉन्ग बॉय जैसी थी पहले से ही। अभी कितना कुछ मैं आपको बताऊँगी, बट ये तो ऐसा है कि मेरे जो मेमोरीज़ है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बस, मतलब ऐसी ऐसी मेरी मेमोरीज़ है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। नॉर्मली भी मुझे बहुत काफ़ी याद आती है ये सब चीज़ें, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इस टाइम पे मैं सतोड़ियों खेल रही थी, इस टाइम पे मैं ये कर रही थी, जो अभी नहीं हो पा रहा है, बट ठीक है चलो, वक्त के साथ सब बदलता है, तो फिर वक्त के साथ अपडेट होना भी ज़रूरी है। तो वही है, फिलहाल मैं जा रही हूँ गुरुद्वारा क्योंकि बहुत दिन से मैं गुरुद्वारा गई नहीं, मतलब गई हूँ लेकिन मैं बैठी नहीं हूँ ठीक से।
तो मेरी इच्छा है अभी इस टाइम पे कीर्तन होता है यहाँ, चलो चलते हैं गुरुद्वारा और मैं आपको भी दिखाऊँ, बहुत शांति मिलती है। तो चलो घर जा रही हूँ और खाना वाना खाऊंगी। चलो तो फिर मिलती हूँ आपको खाना खा के डायरेक्ट। कहाँ गई थी? हाँ, दो तीन दिन कहाँ गई थी? तो एग्जाम दी। हाँ, ये हमारा कवच। हमारी सोसाइटी में जल्दी दिवाली आ जाती है। यार उधर नहीं चलता है। बाप रे। तो अभी हम जा रहे हैं वॉक करने। वॉक करने जा रहे हैं ना हम। इतना गुस्सा आ रहा है तेरे पे। ये अभी पीछे पीछे आता ही जाएगा, देख 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 देख, है ना? ये देखना अभी है ना, इसको पता है हम इसको बिस्किट लेके देंगे ना, इसको बिस्किट कहाँ मिलता है ना पता है, उधर जाके खड़ा हो जाएगा अभी। ये अभी इसको पता है बिस्किट कहाँ मिलता है, देख। मैं वॉक करके आ गई और अभी मैं ये ब्लॉग एडिट करूँगी और फिर मैं सोऊँगी। मेरी एक्चुअली कल एग्ज़ाम है तो मुझे कल कॉलेज भी जाना है सुबह को। तो अभी 11:30 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, मतलब अभी मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है तो मुझे टाइम लगेगा, 1-2 घंटा ब्लॉग एडिट करने में लग जाएगा, तो ऑलमोस्ट 1 बज जाएंगे। तो कुछ नहीं, इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, न्यू वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।